अभी हम लोग इस वीडियो में देखना चाह रहे हैं कि जो ड्राइव मैपिंग या फोल्डर मैपिंग जो होता है वो क्यों करते हैं, फोल्डर मैपिंग का मैंने करने का वजह क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दे रहे हैं, वीडियो आपको प्रैक्टिकल हम दिखाएंगे। फिलहाल देखिए, मैपिंग का मतलब हो गया कि जैसे मान लिया आपका सेम नेटवर्क में आपका राउटर के साथ या आपका मॉडेम के साथ सब डिवाइस कनेक्टेड है, सब डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब हर डिवाइस में आईपी एड्रेस वगैरह जेनरेट हुआ है, तभी एक दूसरे से कनेक्ट है। आप पिंग करिएगा तो आप एक दूसरा को रिप्लाई कर सकते हैं, आईपी एड्रेस से रिलेटेड ये चीज़ है। तो उसमें एक प्रोटोकॉल का मतलब यूज़ होता है जिसको बोलते हैं डीएससीपी सर्वर। तो डीएससीपी के ज़रिए हर डिवाइस में, हर होस्ट में एक्चुअली एक आईपी ऑटोमेटिकली जेनरेट हो जाता है आपके राउटर के माध्यम से, ठीक है। एक तो होता है फिक्स्ड आईपी और एक तो होता है डीएससीपी प्रोटोकॉल के ज़रिए सब जगह इंटरनेट आपका दिया गया है। तो उसमें जो आईपी होता है, जिसे हमारा केस में यहाँ पर डीएससीपी आईपी जेनरेट हो रहा है, आज मान लिया 192.168.0.101 है, लेकिन कल का डेट में इसी कंप्यूटर में अगर हम खोलेंगे आईपी वगैरह हम चेक करेंगे, आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑल करके आप देखिएगा कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आपका आईपी हो सकता है इसका बदला हो, ठीक है। हम तो उसी हम बता रहे हैं कि मान लिया आईपी अगर बदलते रहता है और एक दूसरे से आपका जो शेयर किया हुआ रहता है तमाम चीज़ में, एक तो फोल्डर है उसी को परावर्सर वर्क कर रहा है, तो उसमें होता क्या है ना कि थोड़ा इनिशियलाइज करने में आपका सेम पीसी का जो फोल्डर फाइल और डिस्क जो शेयर किया हुआ है दूसरा पीसी में, तो वो दूसरा पीसी से कोई अगर एक्सेस करता है तो इनिशियलाइज करने में थोड़ा से देर होता है, या आईपी एड्रेस लिख के फिर मारो, इसमें आके आईपी देखो, शेयर फोल्डर को क्लिक करो, नेटवर्क में जाओ, तो बहुत सारा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग एक्चुअली इसमें करेंगे क्या, उस फोल्डर को मैप कर देंगे अपना डिफरेंट डिफरेंट पीसी, तो जो दूसरा पीसी है उसमें हम लोग जो भी फोल्डर शेयर किया होगा इस पीसी से उसको हम लोग मैप कर देंगे। एक्चुअली थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, समझाने में लेंथी हो जाता है। तो मैपिंग करने से होगा क्या, जिस तरह से आप माई कंप्यूटर में जाते हैं, आपका डी ड्राइव, लोकल ड्राइव, ई ड्राइव वगैरह जितना भी ड्राइव होता है, उसी तरह से आपका एक तो ड्राइव माई कंप्यूटर में दिखेगा अगर आप मैपिंग कर देते हैं। मैपिंग किसके ऊपर होता है, मैपिंग होता है शेयर फोल्डर के ऊपर, जो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है उसके ऊपर मैपिंग किया जाता है। तो इससे करने का होगा कि आप क्विकली एक्सेस कर पा जाएंगे, मैंने कोई भी पीसी से आप इसको क्विकली एक्सेस कर पाएंगे। सपोज़ हमारे यहाँ पे ये जो नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ पर एक दूसरा पीसी जो है वहाँ से शेयर किया हुआ है, ये सब्बीर के नाम से जो पीसी है उसको शेयर किया, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये शेयर किया हुआ, इसमें जो फाइल फोल्डर वगैरह शेयर किया था, तो यही चीज़ एक्चुअली शेयर्ड फोल्डर मतलब शेयर्ड ड्राइव शेयर फोल्डर का ऊपर ही मैपिंग होता है। इसको मैपिंग करने का फ़ायदा क्या है, देखिए यहाँ माई कंप्यूटर में यहाँ पर ही मेरा बहुत सारा ड्राइव है, ड्राइव के साथ ही और एक ठो ड्राइव आ जाता है, वो मैप अगर हम लोग करते हैं तब वो अलग होता है। तो मैपिंग अगर करते हैं तो इसी ड्राइव की तरह यहाँ माई कंप्यूटर में यहाँ पर ही दिखेगा, नॉर्मली नेटवर्क में दिखता है, जब नेटवर्क में हम क्लिक करते हैं तो कभी कदर होता क्या है ना कि प्रॉब्लम होता है। किस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है, सपोज़ आपका जो प्रोटोकॉल है जिस लैन से आपका कनेक्टेड डीएससीपी सर्वर माने प्रोटोकॉल को ऊपर काम होता है, तो कभी कदार जो आईपी एड्रेस को इनिशियलाइज करने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अगर हम लोग मैपिंग कर लेते हैं तो आईपी एड्रेस उसका कुछ भी हो हमारे यहाँ पर एक तो ड्राइव की तरह ही वर्क करेगा। सपोज़ जैसे मान लिया मैं आपको ठीक से बता दूँ, जैसे यहाँ पर हम सीएमडी माने हम जाते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ देखिए यहाँ पर ही आईपी कॉन्फिग, ये क्या है, ये आपका एक कमांड है जिससे हम लोग अपना कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका एक यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क आपका दिखा रहा है 192.168.0.106, ये हमारा एक्चुअली आईपी एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट स्लैश देते हैं, ऑल करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए आपको डीएससीपी सर्वर दिख रहा है, डीएससीपी सर्वर, ये जो डीएससीपी सर्वर है, ठीक है,
ये एक प्रोटोकॉल है जिसके वजह से हमारा तमाम डिवाइस के साथ जो आईपी एड्रेस है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारा 106 ही रहे। जैसे यहाँ पर ये आपको दिखाया जा रहा है 106, यहाँ पर देखिए हमारा आईपी एड्रेस जो दिखा रहा है 106। अगर हम कल खोलते हैं, अगर कंप्यूटर हम बंद करके फिर से अगर खोलते हैं, तो हमारा DHCP प्रोटोकॉल जो है यहाँ पर जो वर्क कर रहा है, जिसके वजह से हमारा आईपी एड्रेस हमेशा नया आते रहता है, वो कल दूसरा भी हो सकता है। तो अगर हम लोग शेयर किया हुआ जो चीज़ है इसको हम लोग यहाँ पर ही आईपी एड्रेस अगर मारते हैं, जैसे सपोज़ /192.168.0.106 यही था ना, ये हमारा इस सिस्टम का आईपी एड्रेस था। तो यहाँ पर ही हमारा आईपी एड्रेस में ये वाला चीज़ शेयर किया हुआ है, मैंने हमारा कंप्यूटर से तो दिखा दिया। कल का डेट में अगर हम लोग ये वाला चीज़ 106 मारेंगे, मैंने हम यहाँ पर टाइप करेंगे, तो शायद ना भी ले, क्या कि ये हो सकता है 7 हो जाए, 14 हो जाए, 10 हो जाए। ये DHCP अपने आप आईपी जेनरेट करता है। बहुत लंबा लेक्चर होगी एक्चुअली। हम चलिए फिर से मेन मुद्दा पे आते हैं, इसलिए हम लोग इसको मैपिंग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो नेटवर्क है, देखिए हमारा दोनों PC खुला हुआ है। अब यहाँ पर जो नेटवर्क है, ये वाला जो शेयर किया हुआ है, ये वाला चीज़ को हम लोग एक्चुअली मैप कर लेंगे। तो इसी के ऊपर शेयर फोल्डर के ऊपर ही मैपिंग वर्क करता है। इसके ऊपर हम लोग राइट क्लिक करते हैं। देखिए मैप डिवाइस यहाँ पर ही है, यह जेड डिवाइस आता है यहाँ पर ही, ड्राइव यहाँ पर ही। आप उस लेटर को चूज़ कर सकते हैं जो आपका कंप्यूटर में ना हो, ठीक है ना। तो हमारा जेड है, चलिए ठीक है, यहाँ पर हम फिनिश कर देते हैं। ये हमारा काम हो गया। ये वाला जो मैपिंग जो हम लोग किए हैं, ये कहाँ दिखेगा, फिर से माई कंप्यूटर खोलते हैं। देखिए यहाँ पर एक तो जिस तरह से इतना सारा ड्राइव है, जिस तरह से हमारा सी ड्राइव और DVD ड्राइव है, उसी तरह से यहाँ पे मैपिंग हो गया। अगर कल का अगर हमारा वाला कंप्यूटर बंद होता है फिर खुलता है, तो उसका IP वगैरह चेंज हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से डायरेक्ट करके यहाँ से हम लोग देख सकते हैं हमारा जो भी चीज़ हो, ठीक है। तो यही एक्चुअली मैपिंग का फंडा था।